ये जो पंखा है ना ऊपर में लगा हुआ, वो देखिए उसके अंदर से तार भी टूटा हुआ है और पूरा गिर गया, और अभी सुहानी का जान चला जाता है। देखिए आप लोग, ऐसा सीन हो गया। अभी सुहानी बच गई। क्या हुआ था सुहानी अभी? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों सुहानी आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। पूरे तरीके से हमारे घर में जो है सब कुछ तैयार कर दिया गया है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ दीवार जो है ना, ये कह सकते हो लकड़ियों का बना है, घास फूस का बना है। तो ये क्यों बना है वो लास्ट में आप लोगों से बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो पापा जी पल्ली बांध दिए थे रात में ही सारा कुछ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। धूप वगैरह बहुत ही आता है यहाँ पे, हम लोग रह नहीं पाते दोपहर के टाइम में। और आप लोगों को पता है कि मैं इस घर में जो है ना, मेरा एक सेटअप टू रही है, यहाँ पर बैठ करके सो करके मैं वीडियो को एडिटिंग करता हूँ। सुहानी मम्मी को बुलाओ, और सुहानी अभी सुबह से उठ के गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? तो सुहानी का भी क्या काम है? बर्तन धुलेगी, फिर 9 बजे जाएगी बेचारी पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से आगे तो खाना बनाएगी। ना, खाना बना के जाते हैं। तो वेरी गुड, चलो जाओ 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 जाओ। अभी का मौसम का कुछ सीन ऐसा देख सकते हो, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ है, और यहाँ पे हमारे पिलर्स बन के तैयार हो गए। बहुत ही खुशी की बात है। फटाफट ऊपर से जो है ना ये वाला कमरा रेडी हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को दिखाएंगे तो, है ना। और इधर का नज़ारा आप लोग देख लो, और बैक साइड से देखो किस तरीके से दिखता है ये देखो। अभी जस्ट मैं नहा हुआ के बढ़िया तरीके से फ्रेश हो गया था। अभी का सीन ऐसा है कि कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे पापा जी जो पूरा मरवा को तोड़ दिए, तो वो मरवा वाला लकड़ी जो है यहाँ पे लगा दिए हैं। तो पापा जी का बिस्तर है, पापा जी थोड़ा गए हैं कहीं बाहर में कोई काम को लेकर के, और ये हमारा पूरा फूल जो है सूख चुका है। इधर है हमारी प्यारी सी मम्मी, मम्मी जी से आशीर्वाद हम ले लेते हैं। और गाइस मैं ब्लॉग में इसलिए आशीर्वाद देता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं ऑन कैमरा दिखाता हूँ आशीर्वाद लेकर, ताकि आप अपने मम्मी पापा की कदर करो और उनसे आशीर्वाद लो, और हर काम आशीर्वाद से ही करो, क्योंकि राजा एक टाइम जीरो था। अपने माँ बाप की आशीर्वाद से जो है आज इतने अच्छे लेवल पे आप लोगों ने पहुंचा दिया, ताकि हम अपने परिवार को 2 रोटी खिला सके। ये गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन, आशा करते हैं जो सुबह के पहर आशीर्वाद मम्मी से ले लो, अच्छा रहिएगा, और राजा भाई के सब सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। चलिए आशीर्वाद दे दीजिए। भरपूर आशीर्वाद से रहिए, भाई को भी बढ़ाइए, आप भी सीखिए सब जो भाई से तरक्की करने के लिए, माता पिता को अपना भाई की तरह, भाई अपना आशीर्वाद लेते हैं, आप सब आशीर्वाद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी की तरफ से तो भरपूर आशीर्वाद है। ये गजब का लोकेशन दिख रहा है, देखो गांव का कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है, और हमारा घर देखो, अरे वाह। सभी वीडियो को एडिटिंग कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा थकी हुई, क्योंकि रात भर जगे हैं, उस टाइम ब्लॉग का कुछ काम था, तो इस वजह से जगह रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पूरे शरीर में दर्द होते था रहता है। वो जस्ट नहा के जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए गए, तो बस बिस्तर पे आ गए, नींद ही आ गई, तुरंत जैसे ही लेटे वैसे नींद आ गया। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, मम्मी को गैस पे हमको खाना बनाने नहीं दी है, और बोलिए चलो चूल्हा पर बनाना है खाना, बनाए की सब्जी हम तो बनाएंगे नहीं। और वैसे भी मम्मी आज खीर बनाई है अपना हाथों से, ये देखिए अभी बना रही है सब्जी, बोल दिए छोड़ दो तुम अच्छी नहीं बनाती हो, हम बना लेते। वाह वाह, गिरारी में भी देर है मम्मी का, तो हमें खाना बनवा दिए, हम जाएंगे पढ़ने के लिए कोचिंग, और अपना रागनी दीदी को बुला ले, हम नहीं बनाएंगे। हाँ, हमको कोचिंग का लेट होता है, जाने नहीं देती है कोचिंग, और ऊपर से बोलती है चूल्हा पर खाना बना लो, गैस पर बनाते तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। जलावन है, जलावन पर नहीं बनेगा, हम लोग खाएंगे, मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना, और मेरे बेटा बेटी जो देख रहा है भाई बहन सबको खिलाना है, मम्मी के हाथ से खाना सब बेटा बेटी हमारे, मम्मी का हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी रहता है। जस्ट अभी ब्लॉग को हमने एडिटिंग कर लिया है, एक्सपोर्ट पे लगा दिया, फटाफट एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो टाइटल हमने डाल करके अपलोड कर देंगे। तो इस वेरे सुबह ब्लॉग को एडिटिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, देखो धूप निकल चुका है ना यहाँ पे, और ये जो अल्वेस्टर है बहुत ताव फेंकता है ना, टेम्परेचर फेंकता है गरम गरम, इस वजह से जो है ना बहुत गर्मी लगने के कारण मम्मी जी जो है कल हमारे लिए इसको बोलते हैं रसना डाबर का ग्लूकोज ला दी है पीने के लिए, ताकि जो है शरीर में ठंडा बना रहा है। वैसे भी हम ठंडा वाला चीज़ खाते पीते नहीं है, ज़्यादा तली भुजी खाते, इस वजह से बहुत गर्मी लगता है। एक ना बहुत हो गया, एक ना रहन दीजिए रहन दीजिए। तो मम्मी पापा भी खाना खा लो ना आप लोग, मम्मी खाना खा लो,
अभी खाने में एक लगा खीर जो मम्मी अपने हाथों से फेवरेट बनाई है, लाल कलर का। यहाँ पे सब्जी बनाया आलू का और प्यारे से हाथों का रोटी, यानी आपकी बहन बना के गई है। और मम्मी जी हमारे लिए आम छुपा करके रखे थे क्योंकि कल जो हम पटोरी से लाए थे, है ना, तो बच्चों की तरह अभी भी जो हमको केयर करती है, चुरा चुरा करके देती है। आप लोग घर में ऐसा होता है कि नहीं मम्मी देती है खाने के लिए? नहीं तो मम्मी सभी बच्चा लोग को बुला लो खाने के लिए। चलो मेरे बेटा जल्दी जल्दी मुँह खोलो, जल्दी से खाना खा लो, मम्मी के प्यारी हाथों से, प्यारे प्यारे मुस्कान के साथ अपना ओठों से अपना खाना खाइए। खाना खाइए और सब्जी लीजिए। चलिए यार आप भी खा लीजिए। अरे मम्मी सुबह से गाइस खाना बनाने में लगी हुई, धूप में गई थी। जैसे कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो तो बगल में धूप हो जाता है, चूल्हा में खाना बनाती है जाकर के मम्मी और आपकी प्यारी बहन, है ना। इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, सोचिए हम लोग से नहीं बन पाता है, मम्मी एक लेडीज होकर के खाना बनाती है धूप में हमारे लिए, पापा के लिए और आप सबके लिए। तो एक लाइक कीजिएगा जरूर, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लीजिए खा लीजिए, हमें खाना खा लिए और पापा जी को खाना देने जा रहे हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेते फिर आज का पूरा दिन व्लॉग करते रहेंगे। कल पापा जी को खाना ला करके दे दिए हैं और पापा जी से आशीर्वाद लेते हैं, अभी पूरा दिन काम कर रहे थे, अभी जस्ट नहाए। पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोग भी स्वस्थ आप लोगों को पीछे रहेंगे। और आप सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग बहुत लेट लगाए हैं, आप लोग दया कीजिए। तीन लाख फटाफट कम्प्लीट करवा दीजिए। चलिए ठीक है पापा, खा लीजिए खाना। यहाँ पे पंखा लगा हुआ है मस्त आराम से, पीछे हमारा फोटो वोटो लगा हुआ है, पापा को एकदम मस्त यहाँ पे रहने में एसी वाला महसूस फील होता है ना पापा, आराम से। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि कपड़ा वगैरह हमारा फीस दिया गया था सुहानी बहन ने पढ़ने जाने से पहले, देखिए इसमें तो पूरा दाग ही दाग लग गया, पहने हैं कैसे, सब खराब हो गया, वाइट वाइट था। हम बोले पीला वाला शर्ट को इसको मिला करके मत खींचो, पूरा खराब हो गया। और हमारा सेटअप यहाँ पर रेडी हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरा सेटअप है। हमने पूरा सेटअप को जो रेडी कर लिया है रील्स बनाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे खिड़की वगैरह खोल दिए, माइक लगा हुआ है हमारा, यहाँ से लाइट भी जल रहा है बढ़िया मस्त, यहाँ पे फ़ोन रख देंगे जिससे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मस्त अभी रील्स शूट करेंगे। अभी हमारा कोट का जो है ना बटन टूट गया, फिर मम्मी बोल रही है लेकर के आने के लिए, तो इसको लगा देंगे क्योंकि अब इसको बोलते हैं मेहनत, हालत ख़राब हो गई माइक के साथ वीडियो शूट करते करते। और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मूड ऑफ सा हो जाता है, लेकिन बना करके रहते हैं क्योंकि दिल लोगों का दिल को जो है जीतना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप। तो दोस्तों गुड इवनिंग, अभी का सीन कुछ ऐसा हो गया ना कि अभी सुहानी बहन की भी जान चली जाती, लेकिन किस्मत से जो वो बच गई है। और बहुत ही तेज घटना हुआ है, वो मैं दिखाने वाले क्या हुआ है। अभी जस्ट मैं सो ही रहा था, हम भी बच गए, हम भी उसी घर ही में जा करके सोने वाले थे। ऐसा क्या हो गया कि जान जाने वाली बात थी, है ना। तो मतलब आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा। सुहानी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ऐसा हो गया। ये जो पंखा है ना ऊपर में लगा हुआ है, वो देखिए उसके अंदर से तार भी टूटा हुआ है और पूरा गिर गया। और अभी सुहानी का जान चला जाता है, देखिए आप लोग ऐसा सीन हो गया। अभी सुहानी बच गई। क्या हुआ था सुहानी? अभी हम झाड़ू लगा रहे थे और सोचे कि इस घर में जाते हैं थोड़ा सा हवा लगा लेते हैं और झाड़ू भी लगा लेंगे। जैसे ही ऐसे करके कदम रखे और घर में एक पैर वैसे ही पंखा गिर गया। बताइए अभी का सीन कुछ ऐसा हो गया था ना कि मेरा मन किया ना कि सब दिन ऊपर सोते थे, ठीक है, और मेरा मन किया कि जाते नीचे सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था हमें। फिर मन किया कि टीवी वाले घर में चले जाते हैं, लेकिन सुहानी इस घर में बैठ के खाना खा रही थी, तो हम सोचे बीच वाला घर में चले जाते हैं, वहाँ पंखा चला करके सो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में सो गए हम बीच वाले रूम में। फिर मम्मी का भी मन किया क्या मम्मी? हाँ, तो हमारे मन किया जब मैं सो करके हवा यहाँ लगाएंगे या थोड़ा सा टीवी देख लेंगे, पता ना जो अचानक यहाँ से उठ करके हम दरवाजा पर चले गए या रागनी अथी सुहानी यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, तो उतने में बस पंखा ऊपर से टूट करके गिर गए। आप बताइए ये अभी आज तो सुहानी तो पक्का मतलब समझिए गिला कर में दम था। तो ऊपर वाला के ऊपर वाला की कृपा है जो हम लोग के ऊपर वाला बचाया है ना। तो अभी अभी तुरंत पापा उपाय, हम भी सो ही रहे थे, सो करके आए तो हम सोचे कि ठीक है, सो करके हम बनियान पहने हुए थे, हम सोचे कि ठीक है पहन करके आते हैं, जो हमारे घर में होता है आप लोग को दिखा रहे हैं, है ना। तो जो भी चीज़ें व्लॉग में होता रहता है हमारे घर में, तो वो हम ऑन कैमरा आप लोग को दिखाते रहते कि क्या क्या हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये पंखा शायद जो है ना सुहानी चालू कर दी थी, लाइट बार बार चला जाता चला आता, इसकी वजह से लाइट आया वो ना अचानक से झटका लगा और पूरा मोड़ करके टूट गया। देखिए आपको दिखाते हैं ऊपर से, ये देखिए ये पूरा टूट गया, ये ऐसे मुरा करके टूटा है ऐसे, देखिए इस पे पहले गिरा है तो ये टूट नहीं पाया। और उस पे उठाइए पापा पंखा, तकिया भी गिर गया था नीचे, हम अभी उठा के रख दिए। अच्छा अच्छा ये देखिए इसके अंदर से ये पूरा छूट गया ना, ये ममरा का टूट गया, तार क्लिपे टूट गया। देखिए कितना तेजी में गिरा था, जमीन का भी जो मिट्टी जो खुद गया, अगर किसी के शरीर पे गिरता
तो एकदम हालत खराब हो जाता है। बताइए बात है ना कि मम्मी इधर सर करके सोती है, यहाँ पे तकिया रख लेती है, सो जाती है। आज तो मम्मी भी बच गई, हम भी बच गए, सुहानी भी बच गई। कितना दूरी पर थी बताओ तो? हाँ यहाँ पर थे, ऐसे करके झाड़ू लेके ऐसे करके जा रहे थे तब। अरे यहाँ पे गिर गया। बताइए, चलिए भगवान का कृपा है, कुछ नहीं हुआ। हमारे तो सर कुछ आ जाता है अभी। मम्मी को भी सोने का मन हुआ, ऊपर वाला की मर्जी है कि सबको, सबका मन चेंज हो गया। मेरा भी मन चेंज हो गया, सुहानी आते आते बच गई और मम्मी भी यहाँ से सोई नहीं। मम्मी का भी मन था यहीं पे सोए, क्योंकि हम जब भी आते ऊपर से अगर ज्यादा गर्मी लगता है, देखिए गर्मी अभी लग रहा है, गर्मी का मौसम है, तो यहीं पे आकर के तकिया लगा करके सो जाते हैं ताकि थोड़ा ठंडक मिल जाए। और टीवी भी है तो टाइम पास के लिए टीवी देख लेते हैं। इस वजह से आज जो हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है बनवाने पंखा को, तो डर लग रहा है, पर नहीं लगाते तो ठीक रहता। लगा देंगे छपरी वाला, लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे तो फिर 1500 रुपया का जुगाड़ करना पड़ेगा। डर लग रहा है इस सब चीज़ों से, तो यही वाला लगा देते आप, यहाँ वाला निकाल करके लगा देते, आराम से लग जाता। वैसे भी यहाँ पे हवा आते रहता है, नहीं जी छोड़ दीजिए ना, अभी इसको रहने दीजिए। डर है क्या मम्मी? रहने दो, छोड़ दो, बेकार में लालच करना ठीक नहीं। बनवा दो क्या, पैसा भी नहीं है तो उसी गिर गया वो, फिर संजोग बस पता नहीं क्या है, नहीं है वो नट उट से कस करके दांत टूट जाएगा। तो कल से दांत टूटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बना दीजिए बना दीजिए, कोई बात नहीं बन जाएगा। जस्ट जाना लेकर के आइए। दो दो बेचारा तोता पूरा दिन भूखा रहता है, दे दो दो खाना खा लेगा। और अभी का मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा हो गया खेतों में, देखिए ये खेत जो है ना जोता गया एकदम। और आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे भी एक खेती है, देखिए जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पहले हम लोग का खेत हुआ करता था। हम लोग भरना लिए थे जहाँ पे टिकटॉक टाइम था, उस टाइम लिए थे हम लोग, बहुत मेहनत किया करते थे। देखिए अभी भी वो जोता रहा है। तो फिलहाल अपना पापा जो है पंखा बनाने में लगे हुए हैं, और इस लाइट को हम खाना नहीं बनेगा खाली बसिया खिलाती है हम लोग को। क्या बसिया है? आज का खाना है बेचारी को, आज तो बच गई। के गांव में शादी है और सुहानी का बहनपा लगती है, और वो गिफ्ट देने जाएगी। दीदी का बहनपा है तो तुम जाओ गिफ्ट देने। दीदी बोली है? दीदी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्या लाना है? तो कटोरा गिलास। तो कटोरा गिलास घर में दे दो जाओ। की बोले हाथ में कथी दर्द हो? अच्छा ये अथी हो गया, कुछ खाई है ना चुरा के, वैसे हो गया उसी लिए। अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कथी लेना गिलास है, एगो कटोरी कैगो गिलास लाबे के, कैगो गिलास गिफ्ट में सबको उल्लू बनाती रहती है हमको ये देना, हम लोग को समझ में नहीं आता क्या गिफ्ट है। आज तक तो कभी किसी को दिए नहीं, मम्मी को दिए, पापा को दिए, और रागनी को दिए। रागनी बहन को मिला है, सब सहेली सब ना दे गया है गिफ्ट। रागनी चला गया है तो सबको उसी का नाम से यहाँ कार्ड आता है, तो देना तो फर्ज आज। रागनी कॉल की हुई थी, उसका मोबाइल का बैटरी ये खराब है। अच्छा देखते हैं मेहमान जी कहीं खरीदेगा तो ठीक है। हम बोल दिए मेहमान जी से खरीदवाने के लिए। अच्छा देखे देखे आयसन वाला 99 रुपया में देता है। 99 रुपया में ना, 30 रुपए करवा ना देता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक। दीदी के मिला उसी में से रख लिए है। अच्छा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर किसी को दे ले ले गिफ्ट को चोरी करती है ना, दीदी से दीदी ला करके दिए है। अच्छा अच्छा ससुराल से लेकर के आई है। हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हाँ बोले बोले। दीदी का सहेली कम था, इनका सहेली छोटा छोटा वाला ज्यादा था, इसीलिए तो इसीलिए दिया दीदी ला करके। अच्छा, अच्छा। सहेली वाला में एक एक तो हाँ कटोरी ला करके दे जाओ, अब खाना खा लीजिएगा। कोई बात नहीं, तो अभी जा रहे फिलहाल मार्केट सुहाने के लिए, गिफ्ट पैक करवाने के लिए, वहाँ से आएंगे फिर ब्लॉग को एंड भी करना है। मार्केट जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। इधर है मम्मी और सुहानी और पापा यहाँ पंखा बनाने में लगे हुए हैं, जो कि मम्मी जो है पापा को डांट रही है कि बड़ा सा एकदम टेढ़ा कर दीजिए, है ना, बेकार में हम बोलेंगे फिर से ना गिर जाए। और सुहाने जा रहे अपनी सहेली बहनपा को देने के लिए गिफ्ट।
फाइनली अभी हम दुकान पे पहुंच चुके हैं और सुहानी को गिफ्ट देखते हैं कौन सा पसंद आता है। आधे घंटे से यहाँ पर चेक ही कर रही है सब दुकान दुकान में जाकर के कौन सा गिफ्ट देना है, जो एक्चुअली में ये ढूंढ रहे वो मिल ही नहीं रहा है। है तो बहुत सारा गिफ्ट है, सब दिल उल का है, मूर्ति है राधा कृष्ण जी का, ढोलू महाराज जी। सुहानी बोला तो गाइस एक दुकान में गए तो सुहानी को गिफ्ट पसंद ही नहीं आया, तो फिर ऊपर वाला मॉल बना है ये तो नया है कुछ, ये भाई साहब के हैं है ना, तो ये वाला गिफ्ट पसंद आया तो इस गिफ्ट को जो पैक करवा देते हैं ताकि सुहानी अपने सहेली को जाए शाम में गिफ्ट देने के लिए। फाइनली सुहानी का गिफ्ट जो है कम्प्लीट हो गया ना, बड़का में नहीं लगता, बड़का में नहीं लगे छोटा वाला, छोटा में लगे ना ना, ठीक है। मार्केट आए हुए थे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए, तो मार्केट वगैरह कर लिए, इतना ज़्यादा गर्मी ना हालत ख़राब है, तो सुहानी बोली कि हमको आइसक्रीम खाना है और ये रहा हमारे हाथों में सब्जी, तो वो 10 वाला होता है ना डिब्बा वाला गोल का आइसक्रीम दे दीजिए, गोल का डिब्बा 10 वाला नहीं, गोल टाइप नहीं होता है जिस जो लो अब खा लो। तो गाइस चलिए सीधे मिलते हैं आप लोग से घर पे। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, आर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, बगल में इंस्टाग्राम का जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, 3 लाख सब्सक्राइब फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज, आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है प्लीज करवा दीजिए ताकि अच्छे से और ज्यादा ब्लॉग कर सके, क्योंकि अब हम जाने वाले कहीं अलग अलग के टूर पे है ना, और हो सकता है फ्लाइट से ही जाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना है आप लोग के लिए क्या मम्मी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत। हम खाना खाए, मम्मी केरा जो था ना यहाँ पे छील करके खिला दिया, इस वजह से पेट भर गया। तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, फैमिली ब्लॉग होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, 3:29 में हमारा डेली ब्लॉग आता है इवनिंग में, जाइए अपना माता पिता ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।